फ्रेंड्स, टाइप अपर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर लाऊंगा आपके लिए एक अमेजिंग कॉम्पेरिजन वीडियो बिटवीन द स्कारल और यम 16A4। इन दोनों के बीच में कंपेयर कर देख लेते हैं इन दोनों में से सबसे बेटर टॉय गन कौन सा है। दोनों गन यहाँ से बैटरी से ऑपरेटेड है और ये बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए इन दोनों के बीच में कॉम्पेरिजन कर देख लेते हैं। पहले तो मैं यहाँ पर स्कारल का अनबॉक्सिंग करूँगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर M16A4 की अनबॉक्सिंग करूँगा। फ्रेंड्स, के बाद में मैं यहां पर अनबॉक्सिंग करने वाला हूं M16A4 की। दोनों टाई गन को एक जगह यहां पर लगा लिया है, तो अब इसके बीच में कंपैरिजन करेंगे। पहले तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, अब इसके वाटर ब्लेड्स हमें यहां पर व्हाइट कलर में दिए गए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके हमें यहाँ पर स्कारल के ब्लू कलर में दिए गए हैं। और इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैटरी कुछ इस तरह से दी गई है M16A4 की। पर आप क्लियरली डिफरेंस देख पा रहे हैं, इसके अंदर हमें यहाँ पर M16A4 के अंदर 600 की दी गई है और यहाँ पर 500 mAh की दी गई है, ये देखिए। और यहाँ पे आप इन दोनों के बीच में स्कोप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका तो स्कोप बहुत ही कलरफुल दिया गया है और डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स दी गई है इसके अंदर, पर इसके अंदर सिर्फ हमें यहाँ पर लेज़र दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर चार्जर कुछ ऐसा दिया गया है, ये देखिए, ये है स्कारल का चार्जर और है M16A4 का चार्जर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके साथ हमें स्पेक्स नहीं दिया गया है, स्कारल के साथ हमें यहाँ पर स्पेक्स दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है इसका स्टॉक M16A4 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम है और यहाँ पर स्कारल की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और ये बहुत ही हेवी भी है, क्योंकि हमें इसके अंदर बैटरी यहीं पर डालना ही होगी। पर उसके अंदर यहाँ पर डिफरेंट दिया गया है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही भारी दिया गया है इसका प्लास्टिक और इसका प्लास्टिक थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। और हमें यहाँ पर स्कारल में देख सकते हैं, अब हमें मैगजीन पूरा अलग सा दिया गया है, पर इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर यहाँ पर इनबिल्ट ही मैगजीन दिया गया है हमको, ये देखिए। कुछ अटैचमेंट करने से पहले इस तरह से दिख रही है हमको M16A4। और स्कारल अटैचमेंट करने से पहले हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले तो इसे अटैच कर आपको बता देता हूँ कि इन दोनों में से बेटर कौन सा लग रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, स्कारल कुछ अटैच करने के बाद में इस तरह से दिखाई देगी। और यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, ये देखिए, इसकी स्पीड देख सकते हैं आप। तो स्कारल तो इस तरह से दिखाई दे रही है, उसके बाद में मैं M16A4 की भी अटैचमेंट कर आपको बता दूंगा वो कैसे दिखेगी।
फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर M16A4 को भी यहाँ पर इसके सारे पार्ट्स को अटैच कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैसे दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों को यहाँ पर बाजू में रख लिया है। ये देखिए यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। फ्रेंड्स मुझे तो यहाँ पर M16A4 बहुत ही रियलिस्टिक लग रही है, जैसे पबजी में होती है वैसे ही लग रही है। पर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर RL की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इसका प्लास्टिक बहुत ही ऑसम दिया गया है। कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ से M16A4 से बहुत ही अच्छा मटेरियल दिया गया है और इसकी स्पीड भी बहुत ही फास्ट है। पर M16A4 में यहाँ पर एग्जैक्टली सेम टू सेम लुकिंग वैसे ही लग रही है जैसा पबजी में होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए। अगर आप ये दोनों टाई को खरीदना चाह रहे हो तो मैं इसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इन दोनों को चलाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर M16A4 की बुलेट बहुत ही स्पीड जा रही है और इसकी बुलेट भी बहुत ही बड़ी है, इसी कारण यहाँ पर बहुत डैमेज कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप ग्लासेस को।